सीएम अशोक गहलोत ने विशाखापट्टनम गैस रिसाव हादसे पर दुख जाहिर किया। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया। इस भयानक त्रासदी के बारे में जानकर हैरान, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। भगवान इस त्रासदी में लोगों को नुकसान सहने की शक्ति दे। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना मैं करता हूं। ट्वीट करके अपना दुख जताया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा, विशाखापट्टनम गैस रिसाव हादसे पर दुख जाहिर किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इस भयानक त्रासदी के बारे में जानकर वो हैरान हैं, शोक संतप्त परिवारों के प्रति उनकी संवेदना और भगवान इस त्रासदी में लोगों को नुकसान सहने की शक्ति दे। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हुए ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए अपना दुख जाहिर किया अशोक गहलोत ने। साथ ही लिखा, इस शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। इस त्रासदी के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया। बहुत ही भयानक हादसा ये हुआ, विशाखापट्टनम गैस रिसाव हादसे पर दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जताया और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर दुख जताया। भगवान इस त्रासदी में लोगों को नुकसान सहने की शक्ति दे, क्योंकि भारी नुकसान यहां पर हुआ है। 5 गांवों को यहां से खाली भी करवा दिया गया। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए, बहुत ही भयानक हादसा ये पेश आया और इसके बाद हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, उन्होंने ये जाहिर किया है कि वो पूरी नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले पर और हर संभव मदद वहां से भी की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दुख जताया है। बिल्कुल मनीषा, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक फार्मा कंपनी में गैस हादसा हुआ है और इसमें कई लोगों के मरने की सूचना है। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटनाक्रम के बाद वहाँ इलाके में सिरदर्द, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ की जो है समस्या बढ़ गई और इसके चलते सैकड़ों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने 3000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया है और लगातार वहां पर जो है रेस्क्यू करने का काम चल रहा है और लोगों को हटाया जा रहा है, जिससे कि लोग कम से कम इस गैस के चपेट में आए और सुरक्षित रह सके। सबसे बड़ी बात है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम के बाद आसपास के 3 किलोमीटर से ज्यादा के एरिया में इससे जो है लोगों को भारी परेशानी हुई और इस घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है संवेदना व्यक्त की है और साथ में पूरा भरोसा दिलाया है कि प्रधानमंत्री और जो केंद्र सरकार की ओर से पूरी मदद की जाएगी। तमाम जो है मुख्यमंत्री है, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो चाहे दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी इस घटना पर शोक जताया है और संवेदना जताई है। इसके साथ ही जो जगन मोहन रेड्डी है मुख्यमंत्री, वो वहां पर जो है पहुंच गए हैं और वहां पर कई टीमें, जो सुरक्षा टीमें हैं NDRF की है, SDRF की, वो टीमें वहाँ लगाई हुई है और वो तमाम जो टीमें हैं वहाँ के जो लोग वहाँ रह रहे हैं फैक्ट्री के आसपास, उन लोगों को बचाव का काम किया जा रहा है। जो गांव के आसपास के लोग हैं उनको निकाल रहे हैं ताकि सुरक्षित बचाया जा सके लोगों को, क्योंकि जिस तरह का वहाँ पर गैस लीकेज होने के बाद हालात हुए हैं उसमें बुजुर्ग और बच्चों को और खासतौर पर गर्भवती महिलाएं हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ, इस समय जो कोरोना चल रहा है और कोरोना के बीच सांस लेने में तकलीफ और सिरदर्द जब बढ़ जाए तो आदमी अब समझ सकते हैं कि कितना तकलीफ देह मामला होता है। और ये फार्मा कंपनी में गैस लीकेज के कारण तमाम हादसा हुआ है। गैस लीकेज किस कारण हुआ इसके अभी खुलासा नहीं हो सका है। सबसे पहला काम वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है
वो वहाँ पे जो फंसे हुए लोग हैं आसपास फार्मेसी के आसपास जो लोग रहते हैं उनको निकालने उनको रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं मनीषा, और तमाम जो है सरकारी जो अमला है वहाँ उनके बचाव में जुटा हुआ है। पीएम से लेके तमाम जो अन्य लोग हैं उन्होंने भी जो है उनको भरोसा दिया है कि वो किसी तरह से घबराए नहीं, सरकार उनके साथ है। मनीषा जी बिल्कुल, नीरज जी एक बात यहाँ पर बहुत खास हो जाती है, देखिए मुसीबत जब आती है तो वो बताकर नहीं आती है, किसी भी वक्त आ सकती है, उसके लिए कोई प्रेडिक्शन कोई नहीं लगा सकता, लेकिन ऐसे में देश की एकता का जो सबूत है वो देखने को मिलता है। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संवेदनशील होकर इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हैं और साथ ही अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी उनके साथ खड़े हैं, तो ये बहुत खास बात यहाँ पर हो जाती है। मनीषा देखिए, प्रधानमंत्री देश के मुखिया है, देश के मुखिया के लिए तमाम जो प्रदेश है तमाम स्टेट है जिले है, कहीं भी कोई ऐसी बात होती है तो देश के मुखिया के नाते उनका ये धर्म भी है और उनका कर्तव्य भी है कि वो देश की जनता के साथ हर सुख दुख में खड़े रहें, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी संवेदनशील है। उन्होंने तमाम जैसे ही उनको इस घटना का जानकारी लगी उन्होंने इस घटना पर ट्वीट किया, वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की और अधिकारियों से बात की और घटना की पूरी जानकारी ली और साथ में कहा कि सरकार की तरफ से कोई किसी तरह की कमी नहीं आने जाएगी। तो ये बिल्कुल जो है भारत सरकार के जो मुखिया है उनका जो है कर्तव्य भी है और धर्म भी है। ऐसे में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि इससे स्थानीय सरकार को एक बड़ा संबल मिलता है कि उनके साथ उनका देश का मुखिया खड़ा है, देश की जो प्रमुख सरकार वो खड़ी है और जो स्थानीय प्रशासन है उसको भी बल मिलता है। मनीषा बिल्कुल, नीरज जी तमाम जानकारी के लिए तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया।